रिस्क के सफर पर निकले शाहरुख खान, डंकी का टीजर हुआ रिलीज। पठान और जवान के बाद अब दिसंबर में वे डंकी फिल्म के साथ एक बार फिर से सिनेमाघरों में शिरकत करने वाले हैं। फिल्म के टीजर की बात करें तो इस बार शाहरुख अलग कॉन्सेप्ट पर फिल्म बना रहे हैं और एक्सपेरिमेंट के मोड में दिख रहे हैं। इस फिल्म में भी कुछ ऐसा ही नजर आ रहा है। ट्रेलर की बात करें तो इसमें 5 दोस्तों की कहानी दिखाई गई है। टीजर की शुरुआत में ही शाहरुख खान रेगिस्तान के एरिया में भागते हुए नजर आ रहे हैं। उनके साथ कुछ और लोग भी हैं। कोई शूटर उन्हें शूट करने की कोशिश कर रहा है। वे विदेश जाने के लिए निकले हैं। शाहरुख खान अपने दोस्तों संग विदेश पहुंच पाते हैं कि नहीं, इसी के इर्द गिर्द में कहानी बनाई गई है। लेकिन टीजर में शाहरुख खान के लुक के साथ एक बार फिर से छेड़खानी की गई है। शाहरुख खान के लुक में कुछ नया नहीं, बल्कि टीजर में वे अपनी पुरानी फिल्मों के लुक्स को याद दिलाते नजर आ रहे हैं, जिसमें दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे, फैन और जीरो जैसी फिल्म शामिल है। बता दें कि शाहरुख खान की ये फिल्म पहले 22 दिसंबर 2023 को रिलीज होने वाली थी, लेकिन बाद में इसकी रिलीज को 21 दिसंबर 2023 रख दिया गया। क्रिसमस के मौके पर शाहरुख खान फैंस के लिए एंटरटेनमेंट का ओवरडोज लेकर आ रहे हैं। फिल्म का निर्देशन राजकुमार हिरानी ने किया है। इस फिल्म में शाहरुख खान के अलावा विकी कौशल, बोमन ईरानी, सतीश शाह और तापसी पन्नू भी नजर आएंगी। मैं वैष्णवी श्रीवास्तव कैमरामैन वसीम के साथ वी युवा।